वही जो कहने को बचा है पारा को वापस ले जाइए। दादी सा और अरमान में हुई अभिरा को लेकर बहस। अरमान जो भी इस लड़की के लिए महसूस कर रहा है वो सब दो दिन में खत्म हो जाएगा मनीष जी, तब इसे अपनी भूल का सच्चा प्यार अमर होता है दादी सा। अरमान ने दादी सा से कहा, मैं अभिरा से करता हूँ सच्चा प्यार। और मैं अभिरा से सच्चा प्यार करता हूँ। दादी सा ने गुस्से में अरमान को जड़ा जोर का तमाचा। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादी के मंडप में हुए अरमान और रूही के तमाशे के बाद मनीष और दादी सा की होती है बहस, जहाँ मनीष जी का गुस्सा नजर आया। वहीं दादी सा हाथ जोड़कर मनीष जी से कहती हैं कि रूही हमारी बेटी जैसी है। क्या कह रहे मनीष जी, रूही हमारी बेटी जैसी है। अरमान ने आपकी बेटी को, लेकिन गुस्से में मनीष जी ने क्या कहा आप भी देखिए। अरमान ने आपकी बेटी को मंडप पे छोड़ दिया है कावेरी जी। वहीं जब दादी सा मनीष जी के गुस्से को देखकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि अरमान जो कुछ भी उस लड़की को लेकर कर रहा है वो एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मनीष जी, वो जो कुछ भी उस लड़की के बारे में महसूस करे वो एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, फिर इसे अपनी गलती का एहसास हो। इसके जवाब में अरमान दादी सा को बीच में टोकते हुए कहता है, सच्चा प्यार अमर होता है दादी सा। ये सुनकर दादी सा को आता है गुस्सा और वो अरमान को जड़ देती हैं तमाचा। तब इसे अपनी भूल का सच्चा प्यार अमर होता है दादी सा। और मैं अभिरा से सच्चा प्यार करता हूँ। व्हाटएवर यू डू, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, विच इज अ ग्रेट थप्पड़ टू दादी सा, क्योंकि दादी सा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड द सेम थिंग दादी सा उसको बोलती भी है कि तू मेरा अरमान नहीं है, तू मेरा अधूरा अरमान है, यू आर सौतेला, दैट इज़ वाई यू हैव बिहेव लाइक दिस। अगर मेरा अपना खून होता तो कभी ये हरकत नहीं करता कि लड़की को मंडप में छोड़ के आ जाता। तो दैट इज़ हर्ट दादी सा अ लॉट। तो सबकॉन्शियसली दादी सा हर्ट है, इतनी हर्ट है कि अरमान कुछ भी करे वो कभी उसे माफ़ नहीं करेगी। वेल, अब सीरियल में आए इस हाई पॉइंट ड्रामे के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प होगा।